तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता कि वन रैंक वन पेंशन का धरना इतने सालों से यहाँ जंतर मंत्र पर चल रहा है तो दोस्तों मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा एक बैठक बुलाकर उसमें बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों जितने भी हमारे वेटरन्स वहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी से कहा गया है कि उनके जो जिलों में अलग अलग, अलग जगह बनाई जाएंगी यानी कि वो उन्हें बताएं कि कौन सी जगह वहाँ पर व्यस्त रहेगी हर एक ज़िले में अलग अलग, अलग जगह बनाई जाएगी शहर में जहाँ पर वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन चलेगा यानी कि मेन जो प्रोसेस्ट है दोस्तों वो तो जंतर मंतर पर ही रहेगा लेकिन जिस तरह से कुछ हमारे वेटरन्स यहाँ पर जंतर मंतर पर ज़्यादा दूर होने के कारण वश नहीं आ पाते हैं तो दोस्तों उस को आसान करने के लिए और जो सरकार है उस पर भी कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा जब इतनी जगह आंदोलन चलेगा तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए मेजर जनरल सतबीर सिंह ने बड़ा ऐलान किया गया है कि बहुत से शहर व ज़िलों में ऐसी जगहें बनाई जाएंगी जहां पर वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन चलाया जाएगा और जो मैं वो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जो मेन आंदोलन है यानी कि जो मुख्य जहां आंदोलन चलेगा वो जंतर मंतर दिल्ली में ही चलेगा यानी कि जहां पर अभी तक पिछले पाँच सालों से जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है जो मेन वहीं पर चलेगा लेकिन कुछ अलग अलग जगह पर और चलाया जाएगा जिससे कि हमारे वेटरन्स को आसानी हो सके क्योंकि वो एक जगह इतनी दूर आप पाने आने में कुछ हमारे वेटरन्स है, समर्थ होते तो दोस्तों उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब जी हाँ दोस्तों नौ जुलाई आने वाली है नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वन रैंक वन पेंशन का यहाँ पर हीरिंग होगी उसको देखते हुए वे सभी वेटरन्स इकट्ठा हुए थे दोस्तों मीटिंग की गई थी क्या फैसला लिया गया सभी एक साथ बैठकर जो अलग अलग जगह का एक तो फैसला लिया गया कि अलग अलग जगहों पर वन रैंक वन पेंशन आंदोलन चलाया जा जाएगा उसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सभी हमारे वेटरन्स जुटे हो चुके हैं यानी कि दोस्तों जो कोविड नाइन्टीन के कारण यानी कि अब जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण कुछ आ, मैं कहना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर भी काफ़ी कम हमारे वेटरन आ पाते थे आप सभी को पता कि लॉकडाउन लगा हुआ था ज़्यादा व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकते थे या एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे तो उसको देखते हुए अब लॉकडाउन ख़त्म यानी कि अनलॉक होने के बाद वही भीड़ वहाँ पर यानी कि हमारे वेटरन उसी शक्ति में उसी एकता के साथ वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने हक के अपने हक़ की लड़ाई के लिए तो दोस्तों सरकार तो इस बार यानी कि 9 जुलाई 2021 को जो हियरिंग होगी इस बार फैसला सुप्रीम कोर्ट को हमारे वेटरन्स के हक में ही देना होगा क्योंकि इतने सालों से हमारे वेटरन्स वहां पर हैं और दोस्तों जो हमारे वेटरन्स है एक बार हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वो कहाँ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो वेटरंस है शक्ति वो कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है दोस्तों अपनी जगह का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और सभी वेटरन्स जितने हमारे वेटरन्स है एक हो जाओ दोस्तों इस बार फैसला हमारे हक में ही आएगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत